आज हम जो गैजेट आपको दिखाने जा रहे हैं वो डिवाइस में वाईफाई जोड़ के किसी भी टीवी में हम यूट्यूब देख सकते हैं, किसी भी टीवी में मोबाइल की तरह वाईफाई चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह, एंड्रॉयड मोबाइल की तरह। टीवी में देखिए यही बक्स है वो, इसको एंड्रॉयड बक्स भी बोलता है और नेट टीवी भी बोलता है। नेट बक्स बोलेंगे तो मार्केट में उपलब्ध है ये एंड्रॉयड बक्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से आप ला सकते हैं। और इसमें सभी किस्म का होल है जैक लगाने के लिए, ये वाईफाई वाला तार लगाने के लिए है, और इसमें ये पावर कनेक्टर है 12 वोल्ट के लिए जो चार्जर के द्वारा दिया जाता है, और ये ऑडियो वीडियो वाला है HDMI जो टीवी में वीडियो के लिए, और ये भी वीडियो के लिए है। इसमें लास्ट में जो होल है इसमें ए भी लिखा है ऑडियो वीडियो, इसमें भी तार जोड़ के जैक जोड़ के टीवी में ऑडियो वीडियो लगा के बिल्कुल मोबाइल की तरह वाईफाई चला सकते हैं टीवी में। किसी भी मॉडल का टीवी हो, चाहे LCD हो, LED हो, चाहे अपन के घर में पुराना डब्बे वाला टीवी हो पुराना मॉडल का, उसमें भी ऑडियो वीडियो तार इसमें से जोड़ के वाईफाई के द्वारा हम यूट्यूब चला सकते हैं। तो इसीलिए बस को हम कनेक्शन जोड़ के आज हम देखेंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन जोड़ के किसी भी टीवी में देख सकते हैं। हमारे पास एक LED टीवी है तो इसमें जोड़ते थे, लेकिन आप किसी भी टीवी में जोड़ सकते हैं। आपके घर में अगर पुराने वाला डब्बा टीवी हो, पुराना मॉडल का जो भारी भरकम टीवी होता है, उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। बस वाईफाई का तार इस बक्स में जोड़ देंगे और इस बक्स से जो वीडियो का आउटपुट होता है वो जैक वीडियो वाला टीवी में जोड़ देंगे। तो देखिए वाईफाई वाला ये तार हो गया, इस तार को हम इस बक्स में जोड़ देंगे, वाईफाई राउटर से जो तार निकला है इस जैक को, वाईफाई वाला तार को हम इसमें घुसा देंगे, और इसमें भी जो वीडियो आउटपुट वाला जैक होगा वो टीवी में लगा देंगे तो यूट्यूब चलने लगेगा। तो देखते हैं यूट्यूब जोड़ के हम इस वक्त, तो चलिए जोड़ लेते हैं इस तार को अभी, वाईफाई वाला तार को, और इस बक्स में ये जो तार है ऑडियो वीडियो का है, और ये भी ऑडियो वीडियो का है, ये भी ऑडियो वीडियो, ये भी ऑडियो वीडियो, दो जगह वीडियो वाला दिया हुआ है। तो ये है HDMI, और साइड में का जो होता है वो ये भी क्या होता है। देखिए हमने सभी तार को एक एक करके घुसा दिया है, इसमें तीन तार है, ये भी पावर वाला और सफ़ेद वाला जो तार हमने इसमें घुसाया है वो होता है वाईफाई का, ये है चार्जर, उसका चार्जर वाला तार जोड़ेंगे तो इसमें पावर जाएगा इस तरह से। देखिए सफ़ेद वाला भी जोड़ दिया वाईफाई वाला तार, और बीच में है HDMI, यानी कि वीडियो निकलेगा इसमें और टीवी में जाएगा, ये बीच वाला चौड़ा वाला तार वीडियो का है, और यह वाईफाई का तार वो भी घुसा दिया, ये वीडियो का है। सभी तार मैंने जोड़ दिया अच्छी तरह से, देखिए वीडियो वाला तार टीवी में जॉइंट कर दिया है, क्योंकि हमारे टीवी में वाईफाई सिस्टम नहीं है तो इस बक्स के द्वारा हम वाईफाई चलाएँगे। तो इस तरह से देखिए सारे कनेक्शन कर लिया है, अब इसको हम पावर देंगे, चार्जर के 12 वोल्ट का चार्जर है, इसको हम लाइन में लगा दिया। अब देखिए इसमें बूट लिखा हुआ है, थोड़ी देर में इसमें बूट लिखा हुआ आएगा, वाईफाई का सिंपल इसमें अब टीवी में दिखाएगा। तो ये लोड ले रहा है, देखिए TX3 Mini लिखा है, सेम वही लिखा है जो इस एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर जो लिखा है वही अक्षर इसमें भी टीवी में आया है, देखिए सेम टू सेम अक्षर है, यानी कि इसमें लाइन आ गया है, ये लोड ले रहा है एंड्रॉयड बॉक्स, अब लोड ले रहा है। तो देखिए इसमें एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल मोबाइल की तरह फाइल खुले, जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना सेटिंग, फाइल मैनेजर, प्ले स्टोर, जितना फाइल हमारा मोबाइल में होता है बिल्कुल उतना ही फाइल, देखिए बिल्कुल मोबाइल की तरह टीवी में फाइल आ गया। गूगल क्रोम भी है इसमें, देखिए गूगल प्ले स्टोर, देखिए बिल्कुल मोबाइल की तरह। यूट्यूब भी दो है, जो पुराना वाला यूट्यूब होता था मोबाइल में वो भी है, और ये लाल वाला यूट्यूब अपडेट करके वो भी दिया गया है। इस दोनों में से किसी भी यूट्यूब में आप क्लिक करके रिमोट के द्वारा किसी भी यूट्यूब में क्लिक करके चला सकते, देखिए दोनों जगह यूट्यूब है, लाल वाला और ऊपर व्हाइट वाला। देखिए मोबाइल की तरह सेटिंग भी है इसमें, गूगल क्रोम भी, फाइल मैनेजर है, फाइल ब्राउजर लिखा है, प्ले स्टोर भी है, सभी चीज़ मोबाइल की तरह, बिल्कुल मोबाइल की तरह। अब रिमोट से जिस फाइल पर चाहे रिमोट पर ले जाके रिमोट से सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, चलने लगा है। देखिए अब हम यूट्यूब पर ले जाके इसमें दोनों जगह यूट्यूब दिया गया है, देखिए इस एंड्रॉयड बॉक्स की तरफ रिमोट दिखाएंगे, सिलेक्ट करेंगे यूट्यूब पर जाके और सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे उसी पर और यूट्यूब चलने लगेगा। देखिए मैंने यूट्यूब को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ये लाल वाला यूट्यूब, और इस पर ओके कर दिया मैंने। अब देखिए अब यूट्यूब स्टार्ट होने लगा टीवी में, देखिए बिल्कुल मोबाइल की तरह चले, देखिए आ गया यूट्यूब का होम पेज खुल गया है। अब किसी भी एक वीडियो पर ले जाके हम इसको क्लिक कर देते हैं और यूट्यूब चला के देखते हैं, देखिए एक वीडियो पर मैंने क्लिक कर दिया तो बिल्कुल मोबाइल की तरह देखिए यूट्यूब चलने लगा इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।